नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग काइट गैलरी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इदरीस अहमद के मांझे के ऊपर है। ये जो उनके हमारे जितने भी उनके ब्लॉग आए हैं सारे हम एक एक करके आपको रिव्यू देंगे, और मांझे की क्वालिटी क्या है, कैसा मांझा है, सब हम आपको दिखाएंगे। चलिए आगे का वीडियो गौरव भाई कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मांझे का रिव्यू कराते हैं। हेलो, वेलकम गाइस। और आप सबको इंतज़ार था, बल्कि मुझे भी इंतज़ार था इदरीस अहमद के मांझों का, और हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, और मेरी तो नज़र है कब एक इसकी अनबॉक्सिंग हो और मैं यहाँ से उड़ के लूटूं। मैं चरखा लेके भागूं, मैं तो चरखा लेके भागूं। ये देखिए, पीयूष भाई हैं, आज अनबॉक्सिंग पीयूष भाई करेंगे। और ये देखिए, छुरी ब्लेड लेके बिल्कुल ये तैयार खड़े हैं। सब लोग अपना अपना चरखा लूटने आए हैं। सोनू भी लूटने आया अपना चरखा। सोनू भाई भी बैठे हुए। गौरव भाई को कम से कम 3 से 4 दिन से इंतजार है। अरे भाई, मैं तो खाली इंतजार कर रहा हूँ कब इसकी अनबॉक्सिंग हो, मैं यहाँ से लेके भागूंगा अपना चरखा। चलिए, फाइनली आज वो दिन आ गया है, इदरीस अहमद के मांझों की अनबॉक्सिंग होने जा रही है। पीयूष भाई बहुत लग रहा ज्यादा जल्दी में है। अरे भाई, हमें भी चाहिए ना इसलिए। भाई ये देखिए, ये इदरीस अहमद मैदानी मांझा है। ले दोस्तों, जैसा कि आपने गौरव भाई के साथ वीडियो में देखा कि उन्होंने मांझे का अनबॉक्सिंग कर दी है, अब हम आपको ब्लॉग दिखाते हैं कौन कौन से उनके ब्लॉग आए हैं। और ये देखिए, उनका 9 to 6 है, ये देखिए, और कितना शानदार चरखे पे लग के आया, तिरंगे चरखे पे। ये 6 रील पर है, ये इदरीस अहमद का स्टार नंबर 1, 9 to 6। कितना शानदार चरखा लगा हुआ तिरंगा। जैसा कि दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है, तो स्पेशल खिलाड़ियों के लिए चरखा बना हुआ है, कि जो कि हमारे काइट लवर्स हैं उनके लिए। देखिए तिरंगा चरखा कितना शानदार लगा हुआ है, इदरीस भाई ने लगा के दिया है। और ये देखिए, ये तो 6 रील पे था, अब 12 रील पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना शानदार चरखा लगा हुआ, 9 to 6 का डिज़ाइनर चरखा। डोर भी इनकी बड़ी शानदार होती है। ये देखिए इदरीस अहमद, एक ये चरखा है, एक ये देखिए 9 to 6 का, ये फाइबर के चरखे पे लगा हुआ है, कितने शानदार डोर है। और जैसा कि दोस्तों आपने वो चरखा देखा, चरखा खूबसूरत लगा था, चरखे खूबसूरत के साथ साथ इसमें डोर भी बड़ी खूबसूरत लगी हुई है। ये देखिए, आपकी कैमल कलर की डोर है और बल खुली डोर है, बहुत ही शानदार डोर है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो नया डोरे बनती है ना, स्पेशल चरखे बनते हैं, बिल्कुल वो डोर ऐसी ही बनी हुई है स्पेशल। ये देखिए दोस्तों, ये उनका ब्लॉक है स्टार 1, और ये है 9 to 6 इदरीस अहमद स्टार 1, और ये उनका ब्लॉक है 9 to 6। चलिए दोस्तों, आपको अब इनके 9 to 5 का प्रीव्यू कराते हैं। और ये देखिए डोर कितनी शानदार है, और ये देखिए स्टार 1 9 to 5, ये लगी है चिप। ये लगी है स्टार 1 9 to 5 की डोर। चरखा भी फाइबर का कितना लगा, शानदार चरखा, मजबूत चरखा लगा हुआ है। 9 to 5 का ब्लॉक चारों तरफ लगा हुआ है। नहीं, देखिए डोर दोस्तों, ये काही कलर पे डोर है और बहुत ही शानदार बल खुली डोर है, वो आपको ऊपर ही से समझ में आ रहा होगा, फाइबर का चरखा है, इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और डोर के ऐसे बल अलग से ही दिख रहे हैं चरखे के ऊपर से ही। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये भी 9 to 5 है, और कितना शानदार और डिज़ाइनर चरखा लगा हुआ है इस पर। देखिए 9 to 5 स्टार 1, ये स्लिप लगी हुई है उनकी इदरीस भाई की। और ये देखिए स्टार 1 9 to 5। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 15 अगस्त आ रहा है, तो ये भी चरखा देखिए 9 to 5 पे तिरंगे चरखे बना हुआ है, बहुत ही शानदार चरखा, और डोर भी बहुत शानदार है इसकी। और ये देखिए इसकी डोर भी बड़ी शानदार बनी हुई है 9 to 5 की।
9 to 5 का स्लिप। इस चरखे के लिए कोई भी फोन मत करे क्योंकि गौरव भाई ने पहले ही कब्जा कर लिया है इस पर खुलते ही गौरव भाई ने इसको। डोर बहुत शानदार है इसकी, नया डोरे बनाते हैं भैया। दोस्तों जैसा कि आप मांझा देख रहे हैं, ये इदरीस भाई का ग्लैडिएटर है, ये आर्टिकल 8400 पे है और ये मांझा बहुत ही शानदार बना हुआ है और इसकी कीमत 2100 रुपये है। इसकी हम डोर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कहते हैं ना जो फालसाई कलर होता है और पूरी बल खुली हुई डोर है 8400, कितनी शानदार डोर है। हमारे जितने भी इनके ब्लॉक आए हैं सारे 1-2-3 पे हैं, कॉटन थ्रेड पे हैं। बाकी दो चरखे हमारे इनके स्पेशल आए हुए हैं, जैसे कि जो छत के लिए माहिर खिलाड़ी होते हैं उनके लिए, एक ये 8400 पे आया हुआ है और एक ये IG आया है इदरीस भाई का, ये 4 तार कॉटन थ्रेड पे है। ये देखिए ये 4 तार है कॉटन थ्रेड इदरीस भाई का। ये दो चरखे हैं, ये छत वालों के लिए हैं, जो भी छत के हमारे प्लेयर्स हैं शौकीन भाई लोग हैं उनके लिए चरखा। देखिए कितना शानदार बल खुली डोर 8400 को आर्टिकल 8400, ये देखिए आप लिखा हुआ उन्होंने, लिखा भी उन्होंने 8400। बीकानेरी चरखी पर है ये, सबसे बड़ी बात भी बहुत मजबूत चरखा, बहुत मजबूत चरखा लगा बीकानेर का। ये IG है इनका, ये 4 तार कॉटन थ्रेड छत के लिए। देखिए देखो इनका एक ये ब्लॉक आया है ब्लैक मांबा, ये भी 1-2-3 आर्टिकल पे बना हुआ है, काफ़ी शानदार डोर होती है इनकी। ये देखिए इनका ब्लैक मामा ब्लॉक है इदरीस भाई का। और एक डोर है इनकी यूसुफ अहमद, ये भी 1-2-3 की डोर है, मैदानी डोर है ये भी यूसुफ अहमद। और ये देखिए इदरीस भाई का IT, ये IT है उनका, सबसे बढ़िया ब्लॉक है ये भी 1-2-3 की डोर है, मैदानी डोर, सबसे ज्यादा बिकने वाला इनका ब्लॉक है, टूर्नामेंट क्वालिटी डोर है मैदानी डोर। ये वही ब्लॉक है जो इससे पहले भी आप पीयूष भाई लेके गए थे चरखा, बहुत शानदार रिजल्ट रहा था इस चरखे का भी। ये चरखा अभी आपने लास्ट टाइम हमने आपको यही चरखा दिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था इस चरखे का, पहली उड़ा के मैंने 7 काट दी थी छत से। और ये देखिए सबसे बड़ा धमाका, ये देखो गौरव भाई ने देख लिया चरखा, अच्छे खिलाड़ी को सबसे पहली पसंद है। और कलर भी बहुत शानदार है पीयूष भाई, इसको जरा चरखा खोलिए, स्टार वन का डार्क मस्टर्ड ब्राउनिश कलर में, यही है गौरव भाई भाई बहुत शानदार डोर है भाई, बहुत शानदार डोर है भाई, बहुत शानदार, क्या बोलें बारे में। बहुत बढ़िया देख सकते हैं आप, स्टार वन है ये 9-5 degree सहमत, बिल्कुल मीडियम पैटर्न की डोर है, वो बहुत तेज छूते ही हाथ में धस रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है डोर, कांटा इसका बहुत तेज़ है। और देखिए अभी कार्टन में पैक है ये, 3-4 दिन से तो हमारे पास कार्टन पड़ा हुआ है, कहीं इसमें अगर धूप लग गई तो ये और तेज़ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बारीकी में तेज़ी बहुत है, मतलब इतनी बारीक डोर है, हाँ इतनी तेज़ है डोर, उसके बाद बारीकी भी बहुत है डोर में, बहुत शानदार डोर है। और ये हम खोल रहे हैं इदरीस अहमद का मैदानी कलर, देखिए ऑनियन कलर में मांझा है और इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी डोर देखते हैं डोर क्या कहती है, देख सकते हैं भाई। ये चरखा वही है जो अभी आप लेके गए पीयूष भाई, यही तो मैं लेके गया था, इसका ब्लैक इसका कलर आपका कौन सा था, ब्लैक कलर था, ब्लैक पहली उड़ा के मैंने 7 काट दी, उसके बाद अभी भी रखा हुआ मंझा हुआ ऐसे ही, जब मैदान चालू होंगे। सेम डोर है, सेम डोर ये इदरीस अहमद के भाई साहब हैं यूसुफ अहमद साहब,
ये उनका मंजा है। ये देखिए इदरीस भाई की फोटो उसपे होती है, इदरीस भाई है, भाई रईस अहमद है, यूसुफ भाई है, ये यूसुफ भाई है, ये भी इदरीस भाई के भाई है, ये इदरीस भाई के रईस भाई है अहमद, ठीक है, ये अनीस अहमद, ठीक है। ये भी ब्लॉक उन्हीं का है, ये भी इदरीस भाई का ही ब्लॉक है, इनके भाई के नाम से आता है। ये पूरे कार्टन में जो भी मांझे हैं सब इदरीस अहमद के ही हैं। ये ब्लैक कलर में डोर है, ये क्या जादूगर है क्या, जो जादूगर है क्या, जो डोर बना रहा है, तलवार बना रहा है भाई। इदरीस इदरीस भाई की डोरे हैं ये सब, और डोरों में कोई कमी होती ही नहीं इनकी, डोर बना रहे पीयूष भाई। और भाई पीयूष भाई अपना तो क्या है ना, हम लोग 19 कारीगर की डोर मंगाते ही नहीं है, जो कारीगर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी डोर है भाई, जो बात है बहुत अच्छी डोर है। क्या कह रहे हैं भाई, काटा तेज है। सुनिए भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, ये आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ठीक है, हम ही लोग को दे दीजिए, बाहर पर भेजिए। इस डोर का काटा तेज है, कांटा तेज है, कांटा तो सभी डोरों का तेज है, ये उसका इसका उससे भी ज्यादा तेज है, उससे तेज है। अच्छा अच्छा, ये भी ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, सब डोरे अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। अच्छा इसमें देखिए लोच भी है, हाँ इस डोर में लोच भी है कांटे के साथ साथ, देख सकते हैं ब्लैक मांबा खुले जाए। और इसके बाद हम खोलेंगे इदरीस अहमद साहब का ब्लैक मांबा। दिखा तो ब्लॉक, ब्लॉक मांबा, तो क्या कलर निकला है, कलर देख, नाम ब्लैक मांबा निकला है, रेड मांबा क्या निकला, नाम ब्लैक मांबा निकल रहा है, रेड मांबा। कैसी डोर है, मतलब कोई भी डोर 19 नहीं निकल रही है, सब एक से बढ़कर एक निकल रही है। चाहे दूर लड़ा लीजिए, चाहे पास लड़ा लीजिए, गेट खुला बिल्कुल, ब्लेड का काम करे, ये कह रहे हैं गेट खुला, हम भागने जा रहे हैं, पूरा कार्टून के कार्टून उठा पाओगे यूज भाई, कलर सेलेक्ट, बहुत ही कलर भी बहुत ही प्यारे बनाए हैं, देख सकते हैं आप, ग्रे कलर है वाला, और ये देखे ये हल्का सा मस्टर्ड में है। और इदरीस भाई ने 6 की चरखियाँ भी हम लोग के लिए लगाई हैं, और ये 6 की जो चरखी लगी है, और ये ब्लॉग देखिए पहले आप, कौन सा चरखी कितनी प्यारी है, तिरंगे पे, वो तो तिरंगे पे, आप उसको ब्लॉग तो दिखाइए, कौन सा ब्लॉग है वो, ब्लॉग ये इदरीस भाई का स्टार वन है वो, नहीं स्टार वन, स्टार वन आया भाई, भाई सबसे स्पेशल बात ये है कि ये इदरीस अहमद साहब का स्टार 1925 है, क्योंकि 6 की चरखी पे बहुत ही रेयरली आता है, चरखी भी देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है, कितनी तिरंगे पे, चलिए इसको भी खोलते हैं डोर को, देखते हैं कि 6 की चरखी पे कैसी बना के दी है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये स्टार 1926 है, 6 की चरखी पे बहुत ही रेयरली मिलता है वैसे ये 6 की चरखी पे, क्योंकि 12 की चरखी पे ज़्यादा बनता है बाल, क्योंकि ठीक है कलर काफ़ी अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका, डार्क ग्रे देखते हैं हम, स्टार 1926 डोर देखिए, एक सेकंड एक सेकंड, ये डोर बीच में देखो, बढ़िया डोर, शानदार डोर है, 926 मेरे पास 6 पे पहली बार आई है, आप देखिए चरखी की शक्ल ही बिल्कुल अलग है भाई, इदरीस अहमद साहब का 926 है ये, बेहतरीन डोर, बेहतरीन। चलिए हम निकालते हैं, चलिए हम निकालते हैं इदरीस अहमद साहब का ब्लैक मामा, ये भी 6 पे है, ये भी 6 पे आया हुआ है, ब्लैक मांबा भी आपको 6 पे अवेलेबल है, यहाँ पे कलर कितना खतरनाक निकला, प्यारा कलर है,
अच्छा ब्लैक मांबा नाम है इसका, उसके कलर ग्रीन और रेड मांबा, ग्रीन मांबा निकला है ये तो, ग्रीन ये तो फ्रॉग निकला मेंढक। भाई नाम है मांबा, बेहतरीन डोर है भाई। बहुत क्या बोलेंगे डोर के बारे में भाई? भाई लाजवाब है, एक से बढ़ के एक चरखे निकल रहे हैं भाई, जो बात है जितनी तारीफ करी जाए कम है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम लोग आपसे कुछ ज्ञान की बातें भी करेंगे कि डोर कैसे कब कहाँ लड़ती है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं डोर में कि क्या है, कैसे लड़ेगी कैसे नहीं लड़ेगी। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि डोर, सब कहते हैं डोर रख लो लड़ेगी, डोर में ऐसा क्या होता है कि डोर पकती है, कैसे डोर पकती है, हम आपको आज वो बताएंगे भाई। दोस्तों डोर में ये होता है कि जब डोर सूतती है, हमारा कारीगर सूत के देता है डोर, तो उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो जो डोर का मटेरियल होता है उसके ऊपर जो चावल, जो कि चावल के द्वारा चलता है मटेरियल उसका, ठीक है। जब हम डोर को रखते हैं तो वो जो मटेरियल होता है ना, सकते हैं आप, चावल होता है ना, चावल एक तरह से इस पर बैक्टीरिया पड़ता है जो कि चावल को खा जाता है और सिर्फ बचता है मटेरियल। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने का टाइम कितना होगा इसको, ये 2 से 3 महीने में, इसीलिए बोलते हैं कि डोर पूरी तरह पक जाती है 2 से 3 महीने रखने में, तब तक इसमें बैक्टीरिया पड़ के सिर्फ डोर का चावल खा जाता है और सिर्फ डोर का मटेरियल बचता है, तभी इतनी शानदार डोर लड़ती है। तो बेसिकली चावल का जो काम है कि कोई भी चीज़ होती है उसको चढ़ाने के लिए उस पर कोई, उसको बेस चाहिए होता है, तो चावल के द्वारा जो मटेरियल होता है हमारा मंझा बनाते समय, वो चावल के ही द्वारा मंझे पे चढ़ता है, ठीक है। तो जब इसमें बैक्टीरिया पड़ता है वो चावल को पूरी तरह खा जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, फिर बचता है हमारा सिर्फ मटेरियल, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया होता है, वही डोर सबसे अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डोरों को रोक के लगाना चाहिए, डोर का पकने का भी टाइम होता है 3 to 4 months, 5 months, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक मामा की 6 की चरखी, ठीक है। आइए एक आध चरखी आपको और दिखाते हैं, अब फिर से खोलने आ रहे हैं 9 to 5। कोई दूसरा कलर इसका डिफरेंट मिल सके और अच्छा होगा। देख सकते हैं डोर, देखिए बीच में भाई वो डोर हटा लीजिए, उनको कार्टन दे दो, पैक कर दो। गौरव भाई को हमारे कार्टन पैक कर दो, कार्टन दे दो, क्यों कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग यार, क्यों काम कहीं में बेचारे पब्लिक लिए, क्या ले लिए तुमने, क्या लिए हैं? स्टार वन सिर्फ एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिल पाएगा, स्टार वन एक ही मिलेगा। ये क्या कसम खा के मंजा बेच रहे हो क्या? स्टार वन ही मिलेगा, स्टार वन देखिए कितना शानदार चरखा लगा हुआ है। ये इंद्रिस भाई का 9 to 5 है, तिरंगे चरखे पे, स्पेशली 15 अगस्त भी आने वाला है हमारा, वो डोर भी बहुत प्यारी है। ये 9 to 5 ब्लॉक है, डोर कैसी बनी भाई? बहुत अच्छी डोर है। किस पैटर्न की डोर है पीयूष भाई, ये कुछ बताइए, किस शहर में? मीडियम पैटर्न की डोर है, ठीक है, स्पेशली कलकत्ता जयपुर जो कि फंसाते हैं ज़्यादा अच्छे से, पहले लड़ाते हैं फंसा के, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। बाकी डोर तो हर टर्रे से लड़ेगी, ये पता नहीं। बहुत ही मेहनती कारीगर है इदरीस भाई हमारे, बहुत ही मेहनती कारीगर है, जो कि उनकी मेहनत दिखती है डोरों में। हम इदरीस भाई का आईटी खोलने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, क्योंकि ठीक है भाई करते हैं। इदरीस अहमद आईटी, और देखिए मांझा, देखिए थोड़ा सा पीयूष भाई स्लो, देखिए
काफी फेमस ब्लॉग है, बहुत फेमस ब्लॉग है, बहुत ही डिमांडिंग ब्लॉग, सब एक से बेहतर, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक है, बेहतर से बेहतर निकल रहे हैं। मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि कोई ब्लॉग नीचे का है, कोई नहीं कह सकता कि हाँ 19-20 का भी अंतर नहीं लगा सकता, सब एक से बढ़ के एक ही निकल रहे हैं। मतलब ब्लॉग नीचे का है तो मतलब हम जब खोल रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नया धार, नया कांटा दिख रहा है डोर में, हर चरखे में एक नई चीज दिख रही है, देख सकते हैं आप। बल खुले हैं डोर के, पूरे बल खोल दिए डोर के, देखिए बल खुले हैं और डायमंड डस्ट कैसे चमक रही है, बेहतरीन डोर। चलिए आपको एक इदरीस अहमद भाई का 926 दिखाते हैं फिर से, जो कि अभी अभी निकला है चरखा, काफी नीचे दबा हुआ था चरखा, दिखाइए वाले कितना, देखिए पहले वो चरखा कितना शानदार चरखा है, डोर उससे भी ज्यादा शानदार है, 926 है इदरीस अहमद 926। भाई इस मंजे को उड़ाने के लिए उंगलियों में टेप मार के उड़ाने पड़ेंगे, डोर में इतनी तेजी है, अच्छी भाई बहुत अच्छी डोर है। आप क्या बोल रहे थे इसको उड़ाने के लिए? हम इसको उड़ाने के लिए बोल रहे थे कि उंगलियों में अपनी तैयारी करके उड़ाएं इसको, क्योंकि तेज हवा में आपकी उंगली कट जाएंगी, पतंग तो बाद में कटेगी, पहले आपकी उंगलियां कटेंगी उसके बाद पतंग कटेगी। टेप लगा, टेपिंग करके उड़ाएं, अपनी उंगलियों का प्रोटेक्शन कर ले पहले। चलिए आपको दिनेश भाई का ये ग्लेडिएटर ब्लॉक दिखाते हैं, देख सकते हैं ये बीकानेरी चरखे पे है और काफ़ी वेटेड चरखा है काफ़ी, ठीक है, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी डोर होगी। चलिए इसको खोलते हैं, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं डोर शानदार डोर है और शानदार कलर, काफी वेटेड चरखा है काफी, और हमेशा की तरह ये भी चरखा ऐसा ही है बल खुला हुआ, ये देखिए आप बल डोर के, आप डोर के बल देखिए आपको सामने नजर आ रहे हैं, ऐसे शाइन मार रहा है इसका डायमंड डस्ट, हम कह रहे हैं डोर में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चमक रहे हैं। जबरदस्त डोर, बिल्कुल एकदम मस्त, जबरदस्त डोर, बहुत ही अच्छी डोर है। उदरीस भाई का ये वाला ब्लॉग तो मैंने पहली बार देखा है, बाकी सारे ब्लॉग पहले देख चुके हैं, लेकिन जबरदस्त डोर है, बहुत अच्छी। और भाई कुछ बताइए डोर के बारे में, बताने लायक ही नहीं बच्चे, बहुत ही बढ़िया डोर है। क्या बैंडेड मंगाना पड़ेगा आपके लिए क्या? सोच रहे उड़वाने छोड़ने, किसी और से उड़वाए, पेट चलाते टाइम सद्दी भाई सद्दी बांध के उड़ाए खाली। चलिए दोस्तों एक आखिरी आपको ब्लॉग दिखाते हैं, ये इदरीस भाई का आईजी ब्लॉग है, ठीक है, ये छत वालों के लिए बहुत ही अच्छी डोर है, ठीक है, छत और मैदान दोनों में लगती है वैसे डोर ये, ठीक है, चलिए खोलते हैं। इदरीस अहमद उर्फ यूसुफ आईजी, डोरे सब एक से एक बढ़कर हैं, सब जबरदस्त डोरे हैं, बहुत ही अच्छी डोरे हैं सारी की सारी, देखिए डोर बहुत ही अच्छी डोर है, मीडियम पैटर्न की डोर है, कस दिखाई डोर का जरा पीयूष भाई, पहले सबसे पहले तो आपने भी किसी डोर का कस दिखाया ही नहीं जो सबसे जरूरी था, देखिए गिटार बहुत ही अच्छा कस है, जैसे जितना कि होना चाहिए, ना ये गलत है डोर, गलत नहीं है डोर, बिल्कुल गिटार बज रहा है, गिटार की तरह बज रही है डोर एकदम, बहुत ज्यादा अच्छा कस है, बेहतरीन कस है डोर में, बाकी रिव्यू हमारे गौरव भाई देंगे। कस इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये डोर पीयूष भाई ने पहली बार देखी है, बाकी जो डोरें थी इदरीस भाई की उनके बारे में सबको पता है, ये कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जो हर आदमी जानता नहीं है, स्पेशली ये आईजी और ग्लेडिएटर, आईजी और ग्लेडिएटर
ये फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा है, फर्स्ट टाइम। ग्लेडिएटर का भी उसका आपको एक बार क्या उसका भी कस दिखा दीजिए। दूसरा खोलिए, दूसरा ओपन कर लीजिए, इसका भी कस दिखा दीजिए। काट दिया वो दिखा दिए पहले इसका। ठीक है ओपन करिए। कलर तो बहुत ही प्यारा निकला, बहुत ही प्यारा कलर है, फालसा ही कलर है ये। और डोर का कस दिखाइए सबसे पहले, कस फुल डोर के बल खुले हुए हैं। बल खुली तो सभी डोरे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। बल खुली से ये दिखता है कि कारीगर ने कितनी मेहनत करी है। हाँ। बल खुली का बस यही एक मायने सामने सामने, जो कारीगर मेहनत करेगा, जो कारीगर मेहनत करेगा वही बल खोल पाएगा डोर की। बिना मेहनत के बल नहीं खुलते हैं डोर के। देखिए कैसे गिटार की तरह डोर बज रही है, एकदम बढ़िया कस, बेहतरीन कस, बेहतरीन लाजवाब। कलर कलर भी शानदार। अच्छा 1-2-3 की जो डोरे होती है पीयूष भाई, उस पर कस तभी आता है जब कारीगर उस पर मेहनत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोर कोई भी हो जब तक कारीगर मेहनत नहीं करेगा तो उस पर डोर पे कस नहीं आएगा डोर। ठीक है, और स्पेशली अगर 1-2-3 की डोर है और मेहनत भी कर दी जाए तो बात ही अलग हो जाती है डोर की। ठीक है, जो कि इस डोर में हमें साफ दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप। मेहनत सामने है आपकी, मेहनत सामने दिख रही है। जैसे कि अभी पीयूष भाई ने बताया कि बिना मेहनत के किसी भी डोर के बल जो हैं वो खुलते नहीं हैं। देखिए आप जितनी डोरें आपको दिखाई गई हैं सभी बल खुले हैं। हाँ, सभी के बल खुले हैं, और चाहे वो 6 की चरखी हो, चाहे वो 6 की चरखी हो, चाहे 12 की चरखी हो, डोर में कोई भी 19-20 कोई फर्क नहीं होगा। कोई बिल्कुल एक ही डर्रे की डोर है, एक साथ बनाई गई डोर है। मतलब ये नहीं करा गया कि लोग सोचते हैं कि 6 की चरखी में थोड़ा डिफरेंस होगा। बहुत से लोग मैंने सुना है कि वो सोचते हैं कि क्या नाम है, 6 की चरखी यार वो तो ऐसी डोर होगी नहीं, इतनी अच्छी नहीं डोर होगी, 12 की चरखी में ज़्यादा अच्छी डोर आती है। लेकिन इदरीस भाई के मांझों में तो मैं देखने के बाद मेरी तो बिल्कुल देखी बदल गई है। ठीक है, वो अच्छे ही कारीगर ये करते हैं। चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो को हम यहाँ से एंड करते हैं। बाकी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर की टाइमिंग 6 से 10 है हमारी, और बहुत ही अच्छी मांझे हैं। आप ऑर्डर करिए और मज़े लीजिए मांझों की, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। सब मस्ती है। ओके गाइस, बाय बाय। तो आपको जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आपको नमस्कार। और बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।